हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है फिर से द मेघनाथ गेमिंग यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं लॉल रॉकेट लीग। हाँ, तो गेम शुरू करते हैं यहाँ पे। ये कौन सी स्किन मिली मेरे को? ललिता। छोड़ो, कौन सी भी स्किन हम गेम में देख लेंगे। प्रो प्लेयर वैसे भी बाज की नज़र के साथ घूमता है और जीतेगी रफ्तार के साथ। ये छोटा बच्चा कौन है? कोई भी हो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। ये बच्चा कैसे खेल रहा है? इसको तो बॉल मारने भी नहीं आ रही है। बच्चे अभी अभी पावे प्रॉब्लम से कहेगा तुम्हें। ऐसे मारते हैं, गोल मारते हैं, ऐसे बॉल नहीं मारते हैं। जा घर जा। और तू भी कह रहा दोबारा आना मेरे पास? इतना आसान सा गोल मार दिया मैंने तो उसको। गोल गया क्यों नहीं है? ये मैं अपना गोल क्यों मार रहा हूँ? शायद मेरा फोन खराब है, इसी वजह से हो रहा है ये सब। कोई नहीं, हम दोबारा मार देंगे इसको गोल। गाइस कोई नहीं, ये लो बच्चा। तो बस तू बच्चे तू खेल मत, तू देखते जा कि प्रो प्लेयर गोल कैसे मारता है। बच्चों को मेरे साथ खेलना नहीं चाहिए गाइस, बच्चों को मेरे साथ देखना चाहिए कि प्रो प्लेयर कैसे खेलते हैं। वाह, बच्चे अगर सिर्फ खेलते रहेंगे तो सीख कैसे पाएंगे मेरे को देखकर? ऐसे तो उनका कॉन्सेंट्रेशन हट जाएगा ना। कोई नहीं, बच्चों को एक दिन मैं अपना गेम प्ले भी दिखाऊंगा। ये बच्चा मेरे को गोल मारने जा रहा है क्या? इसने तो गोल मार दिया। यस, शायद ये मेरे से सीख चुका है। बस आज के लिए इतना ही बेटा, अब कल गोल मारना है। ये ले, चल बाय, मिलते हैं बाद में बच्चे। ये ऑडियंस में से प्रो प्लेयर मेघनाथ कौन कह रहा है? गेम के बाद मिलना, मैं ऑटोग्राफ दे दूंगा तुम्हें। ये गोल कहाँ मारने जा रहा है? मेरे होते हुए तो गोल घंटा भी नहीं मार पाया। अब तो घंटा भी नहीं मार पाया है गोल। वो तो मैंने इसको जानबूझ के दिया था गोल मारने को, क्या ये बच्चा सीख पाए। ए ले तू भाई, तू ये बच्चा तो सोचते रह जाते कि ये गोल मारेगा, लेकिन प्रो प्लेयर इसकी सोच से बहुत परे है। जहाँ इसकी सोच शुरू होती है, प्रो प्लेयर गोल मार के छोड़ भी चुका होता है। वाह, अरे बच्चों को सोचने दो। अरे हाँ हाँ, ये ज़्यादा आवाज मत दो ऑडियंस से मेरे को। मैं इसे गेम के बाद तुम्हें ऑटोग्राफ देके चले जाऊँगा। फैंस बहुत हो गए गाइस मेरे। कोई नहीं, चलो इसको एक और गोल मार के गेम ख़त्म करते हैं इसका यहाँ पे। चल बच्चे बाय, अब मिलना सात जन्म बाद मेरे को, जब तू खेलना सीख जाएगा। ये गाड़ी गाड़ी क्यों जा रही है मेरे घर के बगल से? इसको इनको बैन करो, पता नहीं यहाँ पे प्रो प्लेयर कमेंट्री कर रहा है। छोड़ो गाइस, इनको पता नहीं है। ये भी बच्चे अभी छोटे से हैं, इनको छोड़ दो। आवाज़ पे ध्यान मत देना गाड़ियों की। अभी हम सीधे शुरू करते हैं दूसरा मैच। ये कौन बच्चा आया अब? ये कोई नहीं, कोई भी बच्चा आया हो उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ये ले, आसान सा गोल। ये गोल गया क्यों नहीं? ये गोल जाए क्यों? बच्चा, ये बच्चा तो बहुत तेज निकला। ये बच्चा तो बहुत तेज है गाइस। ये तो मेरे को हराने की सोच रहा है। तूने तो गोल मार दिया। प्रो प्लेयर के होते उसने पहला गोल कैसे मार दिया? अरे वो गाइस, इसने पहला गोल इसलिए मारा क्योंकि मैंने मार ले दिया। मैंने कहा शायद बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए पहला गोल मारते हुए। मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाना था इस बच्चे का। ये बन रहा था ऐसे गोल मारता हूँ मैं धड़ाधड़। गाइस बस मैं चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े। अगर प्रो प्लेयर आ गया तो बच्चे मायूस ना हो जाए कि हम हार जाएंगे, वरना तो धड़ाधड़ ऐसे गोल पड़ते रहते हैं। प्रो प्लेयर तो मारते ही रहता गोल, बच्चों को भी मौका देना चाहिए गाइस। ये मैं इसलिए उल्टा मुड़ा था ताकि बच्चों को लगे कि बस मैं उसको चकमा देना चाह रहा था, वरना तो ऐसे गोल मारते हैं गाइस धड़ाधड़ बिना सोचे गोल पड़ते हैं गाइस। बच्चों को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके लिए इनको मैथ सीखने की ज़रूरत पड़ेगी गाइस। मैथ्स बहुत ज़रूरी है इनके लिए बहुत, क्योंकि इसमें ना अलाइनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, अलाइनमेंट एक्स वाई जेड और प्लस ए बी सी। यही होता है शायद। घंटा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे ए बी सी हो या एक्स वाई जेड। गोल जाना चाहिए बस, प्रो प्लेयर का बस एक ही वो लक्ष्य होता है कि गोल जाए और कुछ भी ना जाए। ऐसे गोल जाता है गाइस।
आज चल इस बच्चे को भी भगाओ यहाँ से। नाइस शॉट। अब गेम यहीं पर समाप्त करते हैं। अरे अभी समाप्त नहीं हुआ क्या? चलो कर देते हैं फिर। अच्छा अच्छा, अरे वो मैंने टाइम बढ़ा दिया था गाइस, क्योंकि मैं सोच रहा था कि बच्चे को दोबारा मौका दिया जाए एक बार, कि क्या पता है ये गोल मार दे और मेरे को हरा दे। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बच्चा इसने कैसा गोल मार दिया। हाँ गलत कर दिया शायद गाइस मैंने, इसको टाइम देके उसी वक्त मैंने इसका गेम फिनिश कर देना था, मतलब ये वाला गेम इसका नहीं। चलो ये पास दे रहा है तो ये लो फिर। ये उल्टी का चलेगी बॉल। ये तो गोल मार देगा दोबारा से। मार भी दिया बोलने से पहले ही। ये तो मेरा गेम खराब कर रहा है गाइस। ये तो ऐसे कलंक लगा देगा मेरे नाम पर। ये ऑडियंस में से नूब नूब की आवाज कौन दे रहा है? ये शायद गाइस ये मेरे हेटर्स हैं। ऐसे मारते गोल, मैंने कहा था ना एक्स प्लस वाई जेड प्लस सी स्क्वायर। अलाइनमेंट का गाइस, अलाइनमेंट कौन है? ये एक और गोल मारेगा और इसका गेम यही समाप्त कर देगा। तो टाइम वैसे भी नहीं बचा गाइस। 8 7 6 5 4 3 2 1 जल्दी हो जा, जल्दी हो जाना। ये एक और शॉट, चलो बस गेम यहीं पर समाप्त। बच्चे का हमारा तो नहीं, हम तो अभी दोबारा एक और गेम शुरू करते हैं गाइस, और दूसरे बच्चे का भी गेम समाप्त करते हैं यहाँ पे। ये कौन बच्चा है? ये आईफोन तेरा है। घंटा आईफोन तेरा, यहाँ पे आईफोन 14 चल रहा है, ये आईफोन तेरा भाई है अभी भी। ये बच्चा बहुत पुराना है और लेकिन इसका एक्सपीरियंस अभी नया ही है। ये क्योंकि प्रो प्लेयर, यहाँ पे प्रो प्लेयर पुराना है, इसका आईफोन भी पुराना है। आईफोन नया है लेकिन प्रो प्लेयर का आईफोन 14, ये आईफोन तेरा पे खेल रहा है तेरा। हा, हा, हा। जो भी है इसका तेरा। जा घर जा और दूध भी करा फिर से। इससे तो गोल रोक दिया मेरा। ये प्रो प्लेयर को हराने के लिए कुछ भी करते हैं, इतनी बड़ी साजिश है। ये तो खुद गोल मार रहा है अपना। ठीक है बेटा रुक जा, अभी मैं मदद कर देता हूँ तेरा तेरे गोल में डालने के लिए, है ना? रुक जा अभी करता हूँ। ये ले, ये जंप भी नहीं, ये तो उल्टा गोल मार रहा है। ठीक है ये ले फिर। ऐसे तो ये हार जाएगा और हारना नहीं चाहिए क्योंकि प्रो प्लेयर जो है सामने है। ये ले, ये बच्चे को मैंने चांस दिया है यहाँ पे। यहाँ पे इसने गोल नहीं मारा है, मैंने जानबूझ के चांस दिया था इसे, ताकि इसका एक गोल तो कम से कम ऑडियंस को ये लगना चाहिए कि प्रो प्लेयर बहुत ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं उसको, ये क्या बोल रहे हैं ऑडियंस बैठे, क्या मतलब चो चू कहने का क्या मतलब है? छोड़ो हमको, क्या ये हेटर सुनगे यहाँ पे। गोल चले गए तो दूसरा भी ना, इतना मौका नहीं देना है। इतना मौका दूंगा तो बच्चे तो सिर पे चढ़ जाएंगे अगले दिन मेरे। इनको सिर पे चढ़ने नहीं दे रहा है। गोल मार जल्दी से खत्म। ये शायद बच्चे का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने। इसका कॉन्फिडेंस अभी ख़त्म करना पड़ता है मेरे को। रुक जाओ, ये प्रो प्लेयर है ना, कि प्रो प्लेयर कौन कह रहा है? प्रो प्लेयर ठुल्ला है। अभी इनका मलाजत बना दूंगा मैं। छोड़ो गेम पे ध्यान देते हैं। सॉरी बेटा गलती से चले गया वो गोल, घंटा गया गलती से, जानबूझ के मारा है मैंने वो गोल को। ये ऑडियंस वाले ज़्यादा चिल्ला रहे हैं वहाँ पे से, लगता है इनको डंडा करना ही पड़ेगा ऑडियंस में से कुछ लोगों को। वाह बाकी जो मेरे फैंस उनको ऑटोग्राफ में अभी गेम ख़त्म होने के बाद दूंगा। बाकी गाइस जैसे गोल गया है आराम से, वैसे ही मेरे को सब्सक्राइब लाइक और शेयर भी कर दो आराम से। घंटा आराम से जल्दी कर दो यार, जल्दी से मेरे 50 सब्सक्राइबर्स कर दो जल्दी से। 50 होने चाहिए, 50 सब्सक्राइबर्स बस, ओनली 50 बस, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बाकी ये बच्चे हैं, ये बच्चे मेरे को ऐसे परेशान करते रहे तो गाइस मेरे तो गले गले आ जाएगी ला। छोड़ो बच्चों को ध्यान नहीं देते बच्चों पर।
बच्चे तो मासूम है, मासूम है बच्चे, मासूम। वरना तो बच्चों कैसे कॉल कैसे छूट गए। चलो कोई नहीं, बच्चे का तो गेम समाप्त हो चुका है यहाँ पे, और हम भी अपने गेम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अगले गेम प्ले में फिर से। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना बहुत जल्दी से।